और पाखी तो मानो उसके जहन से नहीं निकल रही थी। रुद्र तो लड़कियों को वैसे भी एक खिलौना समझता था, उसके लिए जिस्म मायने नहीं रखता था। उसने ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की थी, ना जाने कितने रेप और कितने ड्रग्स केस थे उस पर, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस अमिताश राठौड़, खूबसूरत तो तुम बहुत हो, कोई तो बात है तुम्हें, शायद तुम मुझे पहले मिलती तो मैं हमेशा अपना बनाकर रखता, लेकिन अफसोस तुम अमिताश की बीवी हो तो सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। ये बोलकर रुद्र बुरी तरह से हंसने लगा। रुद्र अपने नापाक इरादों को पूरा करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने सोच लिया था कि एक बार फिर से अमिताश को वही दर्द देना है, और इसके लिए उसने आदत को टारगेट किया था। रुद्र ये सब करके बड़े ही आराम से अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह राठौर मैंशन, अमिताश का रूम। सुबह जब अमिताश की आंख खुली तो वो अब भी पाखी की गोद में सिर रख लेता था। उसने अपनी आंखें खोलकर पाखी को देखा, जो बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। अमिताश ने उसे देखा और उसकी गोद में लेटे लेटे ही अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने हल्के से पाखी के गालों को सहलाया तो उसकी छुअन से पाखी की नींद टूट गई। पाखी ने अपनी आंखें मसलते हुए खोली तो उसने अमिताश का चेहरा देखा। अमिताश के चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल थी। ये देखकर पाखी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अमिताश ने पाखी की गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और अपने चेहरे के बिल्कुल सामने लाकर हौले से उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। पाखी उसे देख मुस्कुरा दी और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सड़ू। और ये बोलकर वो हंसती तो अमिताश को भी हंसी आ गई। वो पाखी की गोद से उठकर उसे अपने करीब करके शरारत से बोला, बस थोड़ा और इंतजार मिसेज राठौड़, इन सारी बातों का हिसाब हम एक रात में ले लेंगे आपसे। ये बोलकर उसने आई विंक की और उठकर वॉशरूम में चला गया। पाखी तो अमिताश की ऐसी डबल मीनिंग बात सुनकर शॉक्ड थी और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने खुद को सिर तक ब्लैंकेट से कवर किया और सो गई। थोड़ी देर बाद जब अमिताश वॉशरूम से बाहर आया तो पाखी को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो पाखी के पास गया और उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, उठ जाओ बीवी। पाखी उठने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपनी चादर कस के पकड़ी और अंदर से ही बोली, मुझे सोना है। लेकिन अमिताश कहां मानने वाला था। उसने कुछ सोचा और झटके से उसकी चादर अलग करके उसे गोद में उठा लिया। पाखी हैरान सी बस उसे देखने लगी और फिर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप। अमिताश ने उसे देखकर शरारत से कहा, वी नीड अ शावर बेबी। ये सुनकर पाखी मुंह फाड़े उसे देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, आज इस आदमी को क्या हुआ है, जब से उठा है उल्टी ही बातें कर रहा है। वो ये सब सोच रही थी कि अमिताश उसे लेकर वॉशरूम में आ गया और उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर दिया और उससे थोड़ा अलग हो गया। जब शावर का ठंडा पानी अचानक पाखी पर पड़ा तो वो चौंक गई और उसने अमिताश को करीब करके उसके कंधों को कस के पकड़ लिया। तभी अमिताश ने भी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। पाखी शॉक्ड थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। वो खुद को अमिताश से दूर करती उससे पहले ही अमिताश ने उसे दीवार से लगा दिया। दोनों शावर के नीचे भीग चुके थे। अमिताश ने पाखी के माथे पर किस किया और मुस्कुराकर उससे थोड़ा दूर होकर बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है जान। और ये बोलकर वो वहां से रूम में आ गया। रॉयल पैलेस होटल। रुद्र अपने रूम की बालकनी में बैठा था। तभी उसे उसी होटल में एक लड़की एंटर होती दिखी। देखने में वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसने अपने आदमी को बुलाकर उस लड़की की तरफ इशारा किया और उसे कुछ समझाकर उसे जाने को कह दिया। वो आदमी वहां से बाहर निकलकर रिसेप्शन पर गया और वहां कुछ पूछताछ करने लगा। तभी वहां एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी। उसने रिसेप्शन पर से अपनी रूम कीज ली और अपने रूम की ओर चला गया। मुंबई एयरपोर्ट। फ्लाइट लैंड हुई और राघव एयरपोर्ट से बाहर निकला। तभी उसे किसी का कॉल आया और उसने कॉल पिक किया तो उधर से किसी आदमी ने कुछ बताया। ये सुनके राघव के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। उसने कॉल कट किया और उस आदमी के बताए एड्रेस की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में बस ये था कि किसी भी तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। राठौर मैंशन। पाखी अभी भी शावर के नीचे खड़ी भीग रही थी और इधर अमिताश रेडी हो गया। तभी आदित उसके पास आया और बोला, दादा। अमिताश ने मुस्कुराकर उसे देखा और गोद में उठा लिया। अमिताश ने पूछा, क्या हुआ बेबी। आदि बोला, दादा मुझे घूमने जाना है, कितने दिन हो गए आप मुझे घूमने नहीं लेके गए। आदित बोलते बोलते अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर रहा था और ये देखकर अमिताश को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने बड़े प्यार से उसे कहा, हम नेक्स्ट संडे पक्का चलेंगे। आदित ने फिर से मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, पट्टा ना। तो अमिताश ने उसके गाल पर किस करके कहा, पक्का। ये सुनकर आदित खुश होकर उसके गले लग गया। तभी पाखी भी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने बाथरोब पहना था। अमिताश ने उसे देखा और फिर से अपनी नजरें उससे हटाकर आदित को देखने लगा। पाखी को अमिताश का उससे नजर हटाना अजीब लगा, लेकिन उसने अपने दिमाग से जल्दी से ये ख्याल झटक दिया। तभी आदित अमिताश की गोद से उतरकर पाखी के पास आया और खुश होकर बोला, मामा दादा हमें नेक्स्ट संडे घुमाने लेके जाएंगे। पाखी ने उसे खुश देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसके पास नीचे बैठते हुए कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पाखी ने उससे कहा, अच्छा बेबी आप ना अभी अपने रूम में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। आदि ने ओके मम्मा कहा और अपने रूम में चला गया। अमिताश उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर खुश था। अमिताश ने मन ही मन कहा, मेरा पाखी से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था, उसके आने से मुझसे ज्यादा खुश आदि रहने लगा है। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी पाखी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमिताश का ध्यान टूटा तो उसने पाखी पर ध्यान दिया। पाखी को खुद को देखता पाकर अमिताश वहां से हटकर जाते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हो सकता है लेट हो जाए, मेरा वेट मत करना। ये बोल वो जाने लगा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।
अमिताश ने उसे देखा तो पाखी की आंखों में हल्की नमी थी। ये देखकर अमिताश बेचैन हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पाखी ने कहा, आई एम सॉरी। अमिताश ने उससे हाथ छुड़ाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी टू मी? आखिर ऐसा भी तुमने क्या किया है जो तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना पड़े? पाखी रुआसी होकर भरे हुए गले से बोली, वो राघव कहाँ जा रहा है और क्या प्लान कर रहा है वो? रुद्र ने किस लड़की को होटल में देखा? पाखी किस बात के लिए अमिताश से सॉरी बोल रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। लड़की को देखा तो उसे अजीब सा दर्द हुआ, पर अमिताश ने तो पाखी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधा तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 10 ऋषि और ऋषिका। वो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अमिताश ने उसके माथे से अपना माथा लगाया और आंख बंद करके बोला, रिलैक्स, इट्स ओके पाखी, एवरीथिंग इज फाइन। पाखी ने अमिताश को देखा और उसके सीने से लग गई। वो शुक्रगुजार थी कि अमिताश उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। तभी अमिताश प्यार से बोला, तुम वैसे भी मेरी ही हो, सो आई डोंट नीड एनी फिजिकल रिलेशन। पाखी ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बस उसके सीने से लगी रही। तभी अमिताश ने उसे अलग करके बेड पर बैठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाकर बोला, वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? पाखी ने उसे देखा मानो पूछ रही हो किस बारे में। अमिताश हमेशा ही उसकी आंखें पढ़ लेता था, इस बार भी वही हुआ और उसने पाखी के पूछने से पहले ही जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा करियर, उसका क्या? ये सुनकर पाखी की आंखों में चमक आ गई। उसने अमिताश को देखकर एक्साइटमेंट से कहा, मुझे डांसिंग और सिंगिंग पसंद है। जब मां थी तो उनका सपना था खुद की डांसिंग एकेडमी खोलने का, मुझे उनका सपना पूरा करना है। पाखी की एक्साइटमेंट देखकर अमिताश को खुशी हुई। उसने कहा, ठीक है, हम मिलकर मां का सपना पूरा करेंगे। पाखी खुश हो गई और उसे हग करके बोली, थैंक यू सो मच। और पाखी ने अमिताश के गाल पर किस कर दिया। अमिताश मुस्कुराया और बोला, मैं ऑफिस जाता हूं अब, अपना और आदित का ध्यान रखना और अकेले कहीं बाहर मत जाना। पाखी ने हां में गर्दन हिला दी तो अमिताश ने उसके माथे पर किस किया और बाहर की ओर चला गया। AD कॉर्पोरेशन। अमिताश ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने कैबिन में चला गया। वो आकर बैठा तो एनी कुछ फाइल्स लेकर उसके कैबिन में आई और बोली, अमित, इन पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अमिताश ने उसके हाथ से फाइल्स ली और उन्हें चेक करके उन पर साइन कर दिया। एनी बोली, रॉयल पैलेस होटल में हमारी मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग है। अमिताश ने उसे देखा और बोला, कितने बजे? एनी बोली, मीटिंग 1 घंटे में है, हमें अभी निकलना होगा। अमिताश ने ओके कहा और मीटिंग के लिए एनी के साथ निकल गया। रॉयल पैलेस होटल, रुद का रूम। रुद का एक आदमी अंदर आया और बोला, सर, वो लड़की मिल गई। ये सुन रुद की आंखों में हवस उतर आई। उसने शैतानी हंसी से कहा, उसे लेकर आओ, वो ही मेरी भूख मिटाएगी। आदमी ने एक नजर रुद को देखा और जी सर बोलकर जाने लगा तो पीछे से रुद ने फिर से आवाज लगाई और बोला, किसी को कानो कान खबर भी ना हो इस बारे में। उस आदमी ने हां में सिर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया तो रुद आराम से सोफे पर बैठ गया और शराब पीने लगा। इधर राघव भी रॉयल पैलेस पहुंच चुका था। उसने पहुंचते ही रिसेप्शन से कुछ पूछा। उस रिसेप्शनिस्ट ने जब राघव को देखा तो तुरंत उसे इन्फॉर्मेशन दे दी। आखिर वो राघव था, भला उसे इस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता था। हर कोई उसके नाम से कांपता था। जब राघव ने सब पता कर लिया तो वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रूम के डोर को नॉक किया तो उसी 24-25 साल के लड़के ने दरवाजा खोला। वो लड़का राघव को देखकर ठिठक गया। राघव ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो वो लड़का मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, राघव भाई, वो। इससे पहले वो आगे बोलता, राघव ने उससे कोल्डली कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के के तो शब्द गले में ही अटक गए। उसने डरते हुए हकलाकर कहा, भाई वो ऋषिका। ऋषिका का नाम सुनकर तो राघव का दिमाग और घूम गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, ऋषि, तुम उसे क्यों लाए? ऋषि ने जवाब देते हुए कहा, भाई, उसकी वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ। उसने विदित भाई की यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर किया है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जिद की, तो मैं क्या करता? राघव ने कहा, वो अभी कहाँ है? ऋषि बोला, वो अभी बाहर गई है, आती होगी। राघव ने बोला, तुम दोनों सीधा घर क्यों नहीं आए? तो ऋषि ने थोड़ा डरते हुए कहा, हमें लगा आप गुस्सा करेंगे और अमिताश भाई तो मेरी पिटाई लगा देंगे। राघव ने उसका कान पकड़कर मोड़ते हुए कहा, बहुत बड़े नहीं हो गए तुम दोनों। ऋषि ने अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी भाई, मेरी गलती नहीं थी, वो तो ऋषिका की बच्ची की वजह से आना पड़ा। राघव झुंझलाकर बोला, क्या करूं मैं इस लड़की का? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, कुछ भी करो पर मुझे तो छोड़ दो भाई, प्लीज। राघव ने उसे छोड़ दिया तो ऋषि उछलकर उसके गले लग गया और बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया है। उसकी इस हरकत पर राघव मुस्कुरा दिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हमने भी। और वो दोनों मिलकर ऋषिका का वेट करने लगे। इधर अमिताश भी होटल पहुंच चुका था लेकिन वो ऋषि, ऋषिका और राघव के वहां होने से अनजान था। अमिताश ने सीधे जा अपनी मीटिंग अटेंड की। जब वो मिस्टर आहूजा के रूम से वापस निकला तो उसे लगा कि कुछ लोग किसी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। अमिताश ने ध्यान नहीं दिया और होटल से निकलकर अपनी कार के पास आ गया, पर रह रहकर उसके दिमाग में वो लड़की ही चल रही थी। पता नहीं क्यों वो लड़की उसे जानी पहचानी लगी थी। अमिताश ने एक बार को फिर से ये ख्याल झटक दिया पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अमिताश दौड़कर अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट को बोला, मुझे कंट्रोल रूम दिखाओ।
रिसेप्शनिस्ट हैरान थी क्योंकि पहले राघव और अब अमिताश यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने जल्दी से उसे कंट्रोल रूम बता दिया और अमिताश बिना एक पल गवाए उधर दौड़ा। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से घबरा रहा था। एनी ने जब उसे ऐसे देखा तो फौरन राघव को कॉल करके सब बता दिया। राघव वही था, इसीलिए वो भी जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंच गया। वहां अमिताश पहले ही सीसीटीवी चेक कर चुका था। उसमें उसे उस लड़की का फेस तो नहीं दिखा, पर उसने ये पता कर लिया कि उसे किस रूम में ले जाया गया है। राघव ने उससे परेशान हो पूछा, अमित क्या हुआ है? अमिताश ने कहा, अभी नहीं, बाद में बताता हूँ, अभी चल बस तू मेरे साथ। ये बोल वो उस रूम की तरफ निकल गया। राघव भी उसके पीछे चल पड़ा। अमिताश ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया और डोर तोड़ने को कहा। जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने का नजारा देखकर सब हैरान हो गए। सामने रुद पूरी तरह से नशे में धुत था और एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अमिताश की मुठ्ठियां कस गई। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने पीछे से जाकर रुद को पकड़ा और उसे बेहोश करके एक साइड में पटक दिया। अमिताश ने जब उस लड़की को देखा तो वो और हैरान हो गया। सामने कोई और नहीं, ऋषिका थी जो डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जब अमिताश को देखा तो दौड़कर उसके सीने से लग गई। अमिताश की आंखों में नमी थी। राघव भी सदमे में था। अमिताश ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसे गोद में उठाकर घर लेकर जाने लगा। अमिताश ने राघव से कहा, राघव घर चल और विदित को अभी कुछ मत बताना। ये बोलकर वो ऋषिका को लेकर निकल गया। राठौर मैंशन। अमिताश जब ऋषिका को लेकर आया तो पाखी वही हॉल में आदि के पास बैठी थी। वो दोनों माँ बेटे पेंटिंग बना रहे थे। जब पाखी ने अमिताश की बाहों में किसी लड़की को देखा तो उसे अजीब सा दर्द हुआ, पर अमिताश ने तो पाखी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधा ऋषिका को लेकर रूम में चला गया। पाखी को अमिताश का उसे इग्नोर करना अखर गया था, पर वो चुप रही और वो भी उसके पीछे पीछे रूम में चली गई। वहां जाकर उसने देखा अमिताश नम आंखों से ऋषिका को देख रहा था और उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अमिताश नम आवाज में बोला, बस बच्चे सब ठीक है। ऋषिका फिर से उसके सीने से लग गई। तभी विदित वहां आ गया और बोला, पाखी। इससे पहले वो आगे बोलता उसकी नजर अमिताश के सीने से लगी ऋषिका पर गई और ये देखकर वो और परेशान हो गया। ऋषिका की वो हालत देख के विदित का दिल अनजाने डर से घबरा गया। तभी ऋषिका ने विदित को देखा तो वो अमिताश से अलग होकर विदित के गले लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। ऋषिका के हाथों पर खरोच के निशान सब कहानी बयां कर रहे थे। विदित के हाथ उसे गले लगाने के लिए उठे ही नहीं, वो अभी भी सदमे में था। ऋषिका का दर्द वो अपने आप में महसूस कर रहा था। विदित ने उसे खुद से अलग करके पूछा, रीत क्या हुआ है? लेकिन ऋषिका के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। विदित ने फिर से पूछा तो वो हिम्मत करके अटकते हुए बोली, उसने मेरे साथ जबरदस्ती। इससे आगे उसे विदित ने कुछ बोलने ही नहीं दिया और उसने खींचकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। ऋषिका ने खुद को उसके सीने में छुपा लिया, जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी। उन लोगों का रिश्ता अलग ही था, दोनों एक दूसरे की खामोशी को समझ जाते थे। विदित ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस शांत, कुछ भी नहीं हुआ है। ऋषिका शांत होने लगी। विदित ने उसे बेड पर लिटाया और अमिताश से बोला, मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है। अमिताश उठकर जाने लगा। विदित भी उसके पीछे जाने लगा तो ऋषिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और ना में अपनी गर्दन हिला दी। विदित ने अमिताश को देखा तो अमिताश ने अपनी पलकें झपकाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। विदित वहीं उसके सिरहाने बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, रीत मैं यहीं हूँ, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। अमिताश ने उन दोनों को देखा और रूम बंद करके बाहर आ गया। अमिताश रूम से बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों पर रख लिया। उसकी आंखों में और उसके सीने में डर और दर्द के मिले जुले भाव थे। अमिताश ये सोच रहा था कि क्या होता अगर वो वहां वापस ना जाता, क्या होता अगर उसे पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो। अमिताश इस हादसे को भुलाना चाह रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था। अमिताश ये सब सोचकर कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब आगे क्या, आखिर रुद फिर से उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने यही सब सोचकर अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। तभी एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से बह गया। वो हादसा अमिताश की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। पाखी अमिताश को देख रही थी। जब उसने अमिताश को इस तरह से कांपते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते, आप सबकी हिम्मत हो, इस वक्त विदित भाई को जरूरत है आपकी। अमिताश ने उसे नम आंखों से देखा और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे थोड़ा सुकून चाहिए था जो उसे पाखी के पास होने से मिलता था। अमिताश ने पाखी को देखते हुए कहा, पाखी मेरा बीता हुआ कल लौट आया है, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया लेकिन अब वो फिर से मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाखी उसके बालों को सहलाते हुए उसे देख रही थी। अमिताश आगे बोला, सिर्फ कुछ लोग ही तो हैं मेरे पास जो मेरे अपने हैं, मैं उन सबको भाई और भाभी की तरह नहीं खो सकता, मैं क्या करूं, किससे कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से राघव आते हुए बोला, अमित तू कब से इतना कमजोर हो गया, और जहां तक कुछ शेयर करने की बात है तो हम सब है ना तेरे पास, और अब तो पाखी भी है, और हम सबके बीच सीक्रेट कब से होने लगे। राघव की बात सुनकर अमिताश ने पाखी की गोद से सिर उठाकर बैठते हुए राघव से कहा, क्या करूं मैं, तू बता, अंदर रीत, तुझे पता भी है बच्ची कितनी डरी सहमी है? रुद मेरे अपनों को टारगेट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं सह भी लूंगा, पर जब बात मेरे अपनों पर आती है तो मैं टूट जाता हूँ। पाखी ने खड़े होते हुए कहा, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, हम सब आपके अपने हैं लेकिन कमजोरी नहीं, आप अपने प्यार को कमजोरी नहीं ताकत समझिए, हम सब आपके साथ है, किसी को कुछ भी नहीं होगा, विश्वास करिए, हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। अमिताश ने पाखी को देखा। आज पाखी की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो उस दिन मंदिर में नहीं था जब रुद ने उसे गंदी नजरों से घूरा था। पाखी बोली, आप जाइए और विदित भाई से बात करिए, मैं रीत के पास हूँ।
राघव के साथ ऋषि भी सब कुछ सुन और समझ रहा था। उसकी हालत भी ऋषिका के बारे में सुनकर खराब हो गई थी, लेकिन राघव के समझाने पर वो समझ गया था। पाखी की नजर ऋषि पर गई, उसकी आंखों में सवाल था कि ये कौन है। हमेशा की तरह उसके पूछने से पहले ही अमिताश ने कहा, ये ऋषि है और ये ऋषिका उर्फ रीत का भाई है, ये दोनों गाइमा के बच्चे हैं। पाखी ने पूछा, क्या ये दोनों जुड़वा है? अमिताश बोला, हाँ, रीत ऋषि से 5 मिनट छोटी है, हम सबके लिए वो एक छोटी बच्ची है जो दुनिया से अनजान है, लेकिन विदित उसके लिए वो सब कुछ है। हाँ, ये बात और है कि दोनों ही अपनी फीलिंग से अनजान है। तभी ऋषि अमिताश के पास आकर बोला, आई एम सॉरी भाई, मेरी गलती है, मुझे रीत को सीधे घर लाना चाहिए था। अमिताश ने उसे देखकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं ऋषि, सब ठीक है, तुम अभी आराम करो, मुझे विदित से भी बात करनी है। ये बोलकर अमिताश और पाखी विदित और रीत के रूम की ओर चले गए। राघव ने ऋषि को रूम में जाने को कहा और खुद अमिताश के पीछे चला गया। अमिताश ने रूम खोला तो ऋषिका किसी बच्चे की तरह विदित की गोद में सिर रखकर सो रही थी। क्या ऋषिका के दिल में इस हादसे से बैठा डर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तेरी मेरी एक जिंदगी, एपिसोड 11, ही नीड्स यू। अमिताश ने रूम खोला तो ऋषिका किसी बच्चे की तरह विदित की गोद में सिर रखकर सो रही थी। विदित ने अमिताश को देखकर कहा, बताएगा हुआ क्या? अमिताश उसका गुस्सा और नाराजगी समझ रहा था, इसीलिए उसने आराम से कहा, बाहर आ जा, यहाँ पाखी है। और ये बोलकर वो रूम से बाहर आ गया। ऋषिका ने उसे ऐसे देखा मानो कह रही हो मत जाओ। विदित ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम मरी, और वैसे भी मैं बाहर ही हूँ और यहाँ पाखी भाभी है ना तुम्हारे पास। ऋषिका ने पाखी को देखा जो उसे देख रही थी, फिर उसने मुड़कर फिर से विदित को देखा और बोली, ठीक है लेकिन जल्दी आना। विदित को उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आया, उसने हाँ कहा और खड़ा होकर बाहर चला गया। अब रूम में बस पाखी और ऋषिका थे। इधर विदित हॉल में आया और अमिताश से बोला, अमित क्या हुआ था? अमित ने उसे एक नज़र देखा, आज उसे विदित की आंखों में अलग ही जुनून दिखा, उसने बस इतना कहा, रुद। और ये बोलकर वो चुप हो गया तो विदित ने गुस्से में मुठियां कस ली और गुस्से से बोला, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो बाहर की ओर जाने लगा तो राघव ने उसे रोक लिया। विदित ने गुस्से से कहा, छोड़ मुझे रघु, वो इंसान जीने के लायक नहीं है, मैं उसे जान से मार दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई रीत को छूने की, उसे नुकसान पहुंचाने की। राघव ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत रह, शांत रह, उसे नहीं पता ऋषिका कौन है, उसे ये भी नहीं पता कि वो हमसे रिलेशन रखती है, और दूसरी बात, वो लड़कियों को सिर्फ एक खेलने का सामान समझता है, रेप मर्डर लड़कियों की तस्करी ड्रग्स एंड ऑल ये सब उसके लिए आम बात है, ना जाने रीत जैसी कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की है उसने। अगर हमें ये खत्म करना है तो हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ लीगली करना होगा सब, वरना क्या फायदा, हम सब भी गलत साबित होंगे उसके साथ। राघव की बात समझकर विदित शांत होकर बैठ गया और बोला, अब बस रुद, अब और नहीं, तुम्हारे पापों का घड़ा आज भर गया है, कसम है मुझे मेरे अपनों के दर्द की, तुझे भी उतने ही दर्द से तड़पाऊंगा जिसे आज रीत और उस जैसी कितनी ही लड़कियां तड़प रही है, वो दर्द जो तूने अमित को दिया, हमें दिया, हमसे भाई भाभी को छीन लिया, अब सबका हिसाब करने का वक्त आ गया है, तैयार रहो मिस्टर रुद। इधर पाखी और रीत रूम में बैठी थी। रीत ने पाखी को देख कहा, क्या मैं भी तुम्हें भाभी बुला सकती हूँ? पाखी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। ये सुनकर रीत खुश हो गई और बोली, पता है माँ ने आपकी बहुत तारीफ की थी, उन्होंने जब बताया कि अमिताश भाई ने शादी कर ली तो मैं बहुत खुश हुई थी। पाखी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी रीत आगे बोली, भाभी क्या आप दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे? ये सुनकर पाखी बोली, नहीं, जब मैं उन्हें मिली थी तो मैं ड्रग्ड थी, मेरे अपनों ने ही मेरा सौदा कर दिया था, गनीमत थी कि गलती से मैं इनके रूम में पहुंच गई थी, इसीलिए आज यहाँ हूँ, वरना शायद अब तक मैं खुद को खत्म कर चुकी होती। ये सब बातें बताते हुए पाखी की आंखें नम थी और रीत ने ये जानकर कहा, आई एम सो सॉरी। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? कोई बात नहीं, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चलना हमारा काम है। ऋषिका, आज एक अनहोनी टल गई, लेकिन उस शख्स जैसे ना जाने कितने और घात लगाए बैठे हैं, और ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी उन लोगों ने अपनी हवस के चलते बर्बाद कर दी, लेकिन हमें खुद को स्ट्रांग करना होगा। तुम्हें पता है उन सबको तुम्हें ऐसे देखकर कितना बुरा लग रहा है? वो सब तुम्हारे लिए परेशान है। पाखी ने आगे कहा, मैं समझती हूँ जो हुआ वो भूलना मुश्किल है, लेकिन रीत तुम्हारे अपने तुम्हारे सारे घाव भर देंगे, बस तुम्हें उनका साथ देना होगा। ऋषिका ने पाखी को देखा और बोली, मैं करूंगी भाभी, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। उसकी बात सुनकर पाखी मुस्कुरा दी। रॉयल पैलेस होटल, रुद का कमरा। रुद को होश आया तो उसने अपने आसपास देखा, उसे जब ऋषिका नहीं दिखी तो वो गुस्से से चिल्लाया, कहां तक भागोगी, एक बार रुद जिस जिस्म की चाह कर ले उसे पाकर ही रहता है, आज बच गई पर अगली बार नहीं बचोगी। फिर उसने रुक कर सोचा कि आखिर उसे बचाने वाले थे कौन। रुद किसी को भी नहीं देख पाया था क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और अल्कोहल और ड्रग्स की हाई डोज की वजह से वो अपने सेंस में नहीं था। रुद ने पता लगाने का सोच लिया था, किसी भी कीमत पर ऋषिका को पाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। हवस की आग ने उसे अंधा कर दिया था, पर वो ये भूल चुका था कि आग चाहे कोई भी हो इंसान को जलाती ही है। ऋषिका ने खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर लिया था, इसीलिए उसने पाखी से कहा, भाभी चलिए ना हॉल में सबके पास चलते हैं। पाखी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और दोनों रूम से बाहर हॉल की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर हुई थी दोनों को मिले, लेकिन उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी।
वो दोनों हॉल में आ गई जहाँ अमिताश, राघव और विदित बैठे थे। ऋषिका हॉल में पहुंचकर बोली, क्या हुआ, आपसे पैसे क्यों बैठे हो? क्या आप तीनों ने झगड़ा किया है जो ऐसे मुंह फुलाए बैठे हो? उसकी बातों को सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। अमिताश बोला, रीत बच्चा कैसी हो अब तुम? वो उसके पास आकर उसके गले लग गई और बोली, सॉरी भैया, बस मैं डर गई थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अमिताश से अलग होकर उसके आगे अपने हाथों को फैलाकर बोली, ये देखिए। उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान और उसकी मासूमियत भरी बातों से सबके होठों पर मुस्कान आ गई। अमिताश ने उसका माथा चूमते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि हमारी रीत बहुत बहादुर है। रीत ने यह सुनकर जल्दी से अपनी गर्दन 2-3 बार हाँ महलाई। तभी ऋषि बाहर से आते हुए बोला, मोटी क्या करती है तू भी? ये सुनकर ऋषिका ने उसे मुंह बनाकर देखा तो ऋषि उसके पास आकर बोला, तेरी वजह से राघव भाई ने मेरी पिटाई लगाई। इस पर ऋषिका हंसते हुए बोली, हाँ तू तो उसी लायक हो, और जीभ निकालकर ऋषि को चढ़ा दिया। राघव ने उसकी इस हरकत पर हंसते हुए कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा रीत, कहो तो थोड़ा और पीट दूं इसे। सबके चेहरे पर उनकी नोकझोंक देखकर मुस्कान आ गई थी। ऋषि भी ऋषिका को कुछ भी पूछकर तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसे चिढ़ा रहा था। लेकिन जब राघव ने उसे फिर से पीटने की बात कही तो वो मुंह खोलकर राघव को देखते हुए बोला, भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर पीटना ही है तो इस मूठी को पीटो, यही है जिसने आपको नहीं बताया कि वो यहाँ आ रही है, मुझे क्यों पीटने पर तुले हो? रीत ने उसे गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कौन से एंगल से मोटी लगती हूँ? मैं मोटी नहीं हूँ, समझे तुम? फिर वो राघव के गले लगकर बोली, और रही राघव भाई की बात, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो वो मुझे क्यों पीटेंगे? ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। राघव तुरंत बोला, बिल्कुल हम अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं। राघव के ये बोलने पर ऋषिका खुश हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, बुई आप तो मुझे भूल ही गए, अब मैं आपसे बात नहीं तोड़ूंगा। ये बोलकर आदित ने मुंह फुला लिया। आदित को ऐसे देखकर ऋषिका को उस पर बहुत प्यार आया और उसने आदित के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया और बोली, अच्छा तो आदि मुझसे नाराज हो गया, तो अब जो मैं ढेर सारी चॉकलेट लाई थी उनका क्या करूं? फिर वो कुछ सोचने वाले अंदाज में बोली, हाँ मैं ही खा लूंगी, अब आदि तो मुझसे बात करेगा नहीं। जब आदित ने चॉकलेट सुना तो उछलकर उसके गले में अपने हाथों को डालकर बोला, थट्टी आप बहुत सारी चॉकलेट लाए हो। ऋषिका ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, लेकिन क्या फायदा, तुम तो मुझसे नाराज हो ना। आदित ने झट से कहा, अले नहीं नहीं मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, आप तो मेरी बुई हो ना। इतना बोलकर आदित ने अपने दांत दिखा दिए। आदित मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे वो चॉकलेट दोगी ना? सब उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ऋषिका ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, तो आदित बोला, अरे बुई धोत्या ले हो, आप तो मेरी प्याली बुई हो ना, प्लीज मुझे चॉकलेट दे दो ना। उसका चेहरा देखकर ऋषिका के साथ सबको हंसी आ गई। ऋषिका हंसते हुए बोली, ओके बेबी बुई आपको ढेर सारी चॉकलेट देंगी। उसके ये बोलने पर आदित खुश हो गया और उसके गाल पर किस करके उसकी गोद से नीचे उतर कर पाखी के पास आ गया। फिर अमिताश ने कहा, आज का दिन ऐसे ही निकल गया, सब लोग रूम में जाकर रेस्ट करो। सब लोग रूम में चले गए। पाखी ने आदित को गोद में लिया और उसके रूम में चली गई। अमिताश ने पाखी को जाते देखा तो वो उसे रोकना चाहता था, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि आदित को पाखी की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो भी अपने रूम की ओर चला गया। ऋषिका ने अमिताश को देखा और मन में सोचा, भाई आप हमेशा की तरह खुद को किनारे कर लेते हो ताकि आपके अपने खुश रहे, लेकिन अब जब पाखी भाभी आपकी लाइफ में है तो आप भी खुद के लिए सोचो। ये सोचकर ऋषिका आदित के रूम में चली गई। वहां पाखी आदित के बगल में लेटकर उसे सुला रही थी। आदित ने पाखी को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ रखा था। ये देखकर ऋषिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषिका ने पाखी से कहा, भाभी। पाखी ने ऋषिका को देखकर धीरे से कहा, हाँ रीत क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? ऋषिका मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं भाई को चाहिए। पाखी उसका मतलब ना समझते हुए बोली, क्या हुआ उन्हें क्या चाहिए? ऋषिका बोली, आपका साथ। पाखी उसे देखने लगी तो रीत उसके पास बैठकर बोली, भाभी भाई को आपकी जरूरत है, वो जिन चीजों से गुजर रहे हैं और अब जो चीजें फिर से हो रही है, ऐसे में उन्हें आपका साथ चाहिए। वो कहेंगे नहीं क्योंकि दर्द को अपने अंदर रखना तो उनकी पुरानी आदत है, लेकिन आपको उनका दर्द बांटना होगा। ये सुनकर पाखी को मंदिर वाली बात याद आ गई जब अमिताश बुरी तरह से टूट गया था। तब फिर से ऋषिका बोली, मैं यहाँ हूँ आदि के पास, आप भाई के पास जाइए, उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है। ये बोलकर ऋषिका चुप हो गई तो पाखी बोली, रीत क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर राठौर का पास क्या था? रीत ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, भाभी कुछ बातें दबी रहे तो अच्छा है, अगर वो बाहर आएंगी तो सबको तकलीफ ही देंगी। पाखी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, उसने सब वक्त पर छोड़ दिया था। उसने सोचा कि जैसे अमिताश ने उसे आदित का सच बताया था वैसे ही वो टाइम आने पर अपना भी बता देगा, और ये सोचकर वो खड़ी हुई और अपने और अमिताश के रूम की ओर चली गई। अमिताश का रूम। अमिताश अपने रूम की बालकनी में खड़ा शून्य में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद को कैसे रोके। पाखी जब अंदर आई तो उसने अमिताश की मस्क्यूलर पीठ को देखा। एक बार को उसका मन हुआ यहीं से वापस चली जाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अमिताश को उसने ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में देखा तो ब्लैंक हो जाएगी, लेकिन उसे ऋषिका की बातें भी याद थी, इसीलिए उसने गहरी सांस ली और अमिताश के पास जाकर सामने देखने लगी। जब अमिताश को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है तो वो बिना उस ओर देखे बोला, आदित सो गया क्या? पाखी ने उसे हैरानी से देख कहा, आपको कैसे पता ये मैं हूँ? उसके इस सवाल पर अमिताश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारा पास होना मुझे सुकून देता है, तुम्हारी खुशबू से मैं बिना देखे तुम्हें पहचान सकता हूँ। ये सब अमिताश ने पाखी के चेहरे के एकदम करीब होकर उसकी आंखों में देखकर कहा था।
पाखी की धड़कने बढ़ गई थी और अमिताश ये अच्छे से जानता था। पाखी के नजदीक उसका जाना पाखी के रोंगटे खड़े कर देता था, लेकिन वो बार बार यही करता था क्योंकि पाखी उसका सुकून थी। पाखी ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो परफ्यूम यूज ही नहीं करती। बड़ी मुश्किल से पाखी ने ये शब्द कहे क्योंकि अमिताश अभी भी उसके करीब था। अमिताश फिर से मुस्कुराकर बोला, वो परफ्यूम की खुशबू नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी फ्रेग्रेंस है, जिसके चलते मैं खुद को तुम्हारे करीब होने से कभी नहीं रोक पाता। तुम्हारी महक मुझे मदहोश कर देती है पाखी। पाखी बस अमिताश को देखे जा रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अमिताश कह क्या रहा है। वो जब भी अमिताश को देखती थी तो खो जाती थी, लेकिन उसका करीब आना उसकी बॉडी में एक कंपन पैदा करता था। अमिताश की नजदीकियां वो कभी भी रेजिस्ट नहीं कर पाती थी, इसीलिए अमिताश हमेशा पीछे हट जाता था। पाखी ने उसकी ओर देख मन में सोचा, एक आदमी का खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपने हमेशा मेरी फीलिंग्स को ही प्रायोरिटी दी है। आप इतने अच्छे भी क्यों हैं? आखिर क्या था अमिताश का अतीत? क्या वो पाखी को बताएगा अपने अतीत का सच? तेरी मेरी एक जिंदगी, एपिसोड 12, रुद का जेल जाना। पाखी एक तक अमिताश को देख रही थी। अमिताश ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, पाखी मत देखो ऐसे, कहीं ये ना हो कि मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूं। लेकिन पाखी ने अभी भी अपनी नजरें उससे नहीं हटाई थी। पाखी अमिताश के और करीब हुई और उसके पैरों के पंजों पर खड़ी हो गई। फिर पाखी अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ी हुई और उसने अमिताश के होठों पर अपने होठ रख दिए। अमिताश की पकड़ पाखी की कमर पर कस गई। वो पाखी के इस मूव से हैरान था। हमेशा अमिताश ही पाखी के करीब होता था, उसने ही हमेशा फर्स्ट स्टेप लिया था, लेकिन ये पहली बार था जब पाखी फर्स्ट स्टेप ले रही थी। अमिताश ने थोड़ा उसे अलग करके कहा, क्या कर रही हो पाखी, मत करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। लेकिन अमिताश की बातों को सुनकर पाखी की आंखों में नमी आ गई। ऑलमोस्ट एक महीना होने को आया था उनकी शादी को। ये दिन कैसे बीते दोनों को ही नहीं पता चला, लेकिन इन दिनों पाखी आदत के पास ज्यादा रहती थी। अमिताश ने जब उसे ऐसे देखा तो बेचैनी से बोला, पाखी हे क्या हुआ? मैं बस मजाक कर रहा था, मैं सच में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इसके आगे, वो कुछ नहीं बोला क्योंकि एक बार फिर से पाखी ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया था, लेकिन इस बार ये अमिताश के कंट्रोल से बाहर था। उसने पाखी को कमर से पकड़कर करीब किया और दीवार से लगा दिया। अमिताश पाखी को पैशनेटली किस करने लगा। उसने पाखी के लिप्स को बाइट किया तो पाखी सिहर उठी। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उन दोनों की धड़कनें तेजी से चल रही थी, सांसों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। जब कुछ देर बाद अमिताश को लगा कि पाखी की सांसें उखड़ रही है तो उसने उसे रिलीज कर दिया। अमिताश ने पाखी के माथे से अपना माथा लगाया और उसकी आंखों में देखने लगा। अभी भी दोनों की सांसें काफी तेज थी और दोनों अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। आज अमिताश को पाखी की आंखों में एक अलग ही बात दिख रही थी। अमिताश ने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और पाखी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, गुड नाइट बीवी। पाखी बस अमिताश की आंखों में देख रही थी जहां उसके लिए सिर्फ प्यार था। अमिताश उससे दूर हुआ और पीछे मुड़कर जाने लगा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अमिताश ने मुड़कर पाखी को देखा और उसके पास बैठ गया। पाखी ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया और उसे देख बोली, थैंक यू मिस्टर हस्बैंड, मुझे इतना प्यार देने के लिए। अमिताश ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। फिर पाखी उसकी गोद से उठकर बैठ गई और थोड़ा साइड खिसक गई। अमिताश ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके पास लेट गया। पाखी ने उसके खुले सीने पर अपना सिर रख दिया तो अमिताश ने भी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और बोला, सो जाओ, कल हम साइट देखने जाएंगे जहां हम एकेडमी स्टार्ट कर सके। ये सुनकर पाखी खुश हो गई और उसे पकड़कर सो गई। थोड़ी ही देर में अमिताश भी सो गया। ये पल उन दोनों के लिए ही सुकून भरे थे। इधर रुद ने ऋषिका को ढूंढने में जी जान लगा दी, लेकिन नहीं ढूंढ पाया क्योंकि अमिताश के कहने पर राघव ने ऋषि और ऋषिका की पहचान को हाइड कर दिया था। अब तक रुद को कोई ऐसा क्लू नहीं मिला था जिससे वो ऋषिका तक पहुंच पाए और इसीलिए वो बौखलाया हुआ था। रुद का आदमी रूम के अंदर आया और बोला, बॉस। रुद ने गुस्से में कहा, जो कहना है जल्दी पकड़ो, निकलो यहां से। वो आदमी डर गया और बोला, बॉस हमारा ड्रग का कंटेनर गायब हो गया है। ये सुनकर तो रुद पागल हो गया और गुस्से से बोला, ऐसे कैसे गायब हो गया? वो कोई छोटी सी चीज नहीं जो गुम हो जाए, पूरा का पूरा कंटेनर है। वो आदमी डरते हुए बोला, यही तो बॉस, वो कंटेनर चेन्नई के लिए निकलने वाला था लेकिन अचानक ही गायब हो गया। रुद गुस्से में चिल्लाया, पता लगाओ इस बारे में और बिना पता किए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया क्योंकि उसे भी पता था कि उसका बॉस राक्षस है, वो सिर्फ अपना फायदा ही देखता है। रुद ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और उसने अपने खास आदमी रंगा को बुलाकर कहा, मेरे लिए अभी के अभी एक लड़की का इंतजाम करो वरना ये स्ट्रेस मेरी जान ले लेगा। रंगा यस बॉस बोलकर वहां से चला गया। राठौर मैंशन, आदित का रूम। विदित रूम में आया तो देखा आदित सो रहा था। उसने पाखी को अमिताश के पास जाते देखा था इसीलिए वो आदित के पास आ गया था, पर उसे नहीं पता था वहां ऋषिका पहले से ही मौजूद थी। उसने रूम का डोर लॉक किया और अपनी शर्ट उतार दी और अपने कपड़े लेने कबर्ड की ओर चला गया, पर तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज पर विदित ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ऋषिका थी। वो इससे पहले की चिल्लाती विदित ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। ऋषिका विदित को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। विदित भी ऋषिका की झपकती पलकों को देख रहा था। फिर विदित बोला, मैं हूं, अभी चिल्लाती तो आदित जग जाता। फिर विदित आगे बोला, हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत।
ऋषिका ने किसी बच्चे की तरह गर्दन हाँ में हिला दी तो विदित ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा दिया। विदित ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषिका की तो आवाज भी नहीं निकली। विदित उसके बेहद पास था, वो भी शर्टलेस। उसकी धड़कने किसी बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ रही थी। जब ऋषिका कुछ नहीं बोली तो विदित फिर बोला, रीत कहाँ खोए हो? कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो यहाँ? रीत ने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए कहा, वेद तुम पहले शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? विदित तो हैरानी से समझने की कोशिश कर रहा था कि ऋषिका ने क्या कहा। जब उसे समझ आया तो वो जल्दी से रीत से दूर हुआ और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और हड़बड़ाता हुआ बोला, सॉरी, ये कुछ भी इंटेंशनली नहीं था। मैंने तो पाखी को अमित के रूम में जाते देखा तो मुझे लगा आदित अकेला है, इसलिए मैं यहाँ सोने आ गया। ऋषिका अभी भी चुपचाप विदित के एक्सप्लेनेशन सुन रही थी। वो खुद भी अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। विदित आगे बोला, सीरियसली यार, मुझे नहीं पता था तू यहाँ है। ऋषिका ने हिम्मत करके कहा, इट्स ओके विद, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। विदित ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ऋषिका बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। विदित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तो अभी तक वही सब सोच रही है ना? ऋषिका ने अपनी नजरें उठाकर विदित को देखा और नम आंखों से बोली, मैं भूलना चाहती हूँ वो सब, लेकिन आंखें बंद करती वो सब दिखता है, मैं क्या करूँ? विदित ने ऋषिका को बेड पर आदित के पास लिटाया और खुद उसके सिरहाने बैठ गया और उसके सिर को सहलाने लगा। विदित ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा, पर ऋषिका तो उसे ही देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का वो शख्स था जो उसके परिवार के साथ उसके हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा था। विदित ने जब देखा कि ऋषिका ने अब तक अपनी आंखें बंद नहीं की तो उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखकर उसकी आंखें बंद कर दी। सच में ये रात सुकून भरी थी, लेकिन किसी के लिए उसके अंत की शुरुआत हो चुकी थी। विदित ऋषिका के पास बैठा हुआ उसे सुला रहा था। जब थोड़ी देर बाद विदित को महसूस हुआ कि ऋषिका सो चुकी है तो उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऋषिका ने हलचल महसूस होने पर नींद में ही विदित के हाथ को अपने दूसरे हाथ से भी पकड़ लिया, मानो विदित कहीं भागा जा रहा हो। विदित ने उसे प्यार से देखा और वहीं बैठा रहा और थोड़ी ही देर में उसे वहां बैठे बैठे ही नींद आ गई। स्टडी रूम। राघव स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक की तो उधर से एक आदमी की आवाज आई। वो बोला, कंटेनर उठा लिया, लेकिन अब इसका करना क्या है? ये सुनकर राघव ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुंबई पुलिस थाने के सामने इस कंटेनर को छोड़ दो और साथ में कुछ सबूत भी रुद के खिलाफ छोड़ देना, और ये काम इतनी सफाई से करना कि किसी को पता न चले कि किसने किया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो उधर से वो आदमी बोला, ओके, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि ये हमने किया है। राघव बोला, गुड, और इस कंटेनर वाले कांड को आज ही अंजाम दो। इतना बोलकर राघव ने फोन रख दिया। इधर रुद एक लड़की के साथ अपने रूम में था। असल में तो वो इन लड़कियों की तस्करी करता था, लेकिन पहले वो खुद अपनी हवस मिटाता था। वो लड़की बेहोशी की हालत में उसके बेड पर लेटी थी। रुद ने रंगा से कहा, वाह रंगा, तू ना होता तो यार मेरी ये हवस कौन मिटाता? फिर उसने अपनी पॉकेट से एक नोटों का बंडल निकाला और रंगा की ओर फेंक कर बोला, बाकी के इस माल को चखने के बाद। ये बोलते वक्त रुद की आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। रुद ने रंगा को रूम से बाहर भेज दिया और रूम बंद करके बैठकर शराब पीने लगा। उसने कुछ सफेद रंग का पाउडर निकाला और उसको नाक से खींच लिया। फिर वो उठा और अपनी टी शर्ट निकालकर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। उसने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाया और उसका पानी उस लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। उसकी इस हरकत से वो लड़की चौंक कर उठ गई, लेकिन जब उसने अपने सामने रुद को देखा जो कि शर्टलेस था तो ये देखकर वो डर गई और बेड पर ही उससे दूर खिसकने लगी। इससे पहले कि वो दूर हो पाती, रुद ने उसे पकड़ लिया। लड़की ने रोते हुए उसे छोड़ने को कहा, पर इस वक्त तो उसके सिर पर नशा और हवस दोनों सवार थी। वो लड़की खुद को रुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद जैसे हट्टे कट्टे आदमी के सामने भला उसकी कहां चलनी थी। इससे पहले कि रुद आगे बढ़ता, उसके रूम का दरवाजा किसी ने स्पेयर की से खोल दिया। रुद ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां राघव खड़ा था। उस लड़की ने जब राघव को देखा तो मानो एक उम्मीद जगी। उसने रुद को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और दौड़कर राघव के गले आ लगी। उस वक्त उसे राघव किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। राघव ने उसे खुद से दूर करके अपने पीछे कर लिया। तभी रुद गुस्से में बोला, तू मेरे मामलों में टांग मत अड़ा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुपचाप से इस लड़की को मुझे दे दे और निकल जा। राघव ने आराम से अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले और खड़ा हो गया। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, रुद राठौड़, मैं नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तुम, और चिंता मत करो, इस बार इंतजाम पुख्ता हुआ है तुम्हारा। रुद ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी राघव ने आवाज लगाई, इंस्पेक्टर। राघव का इतना बोलना था कि इंस्पेक्टर के साथ उसके कांस्टेबल्स अंदर आ गए। राघव बोला, ले जाए जरा इसे और अच्छे से खातिरदारी करे, ताकि आगे से किसी भी मासूम की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये 100 बार सोचे। ये देखकर रुद बोला, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? अगर तूने मुझे जेल भेज भी दिया तो भी क्या, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। राघव ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते रुद, ना मेरा ना ही हमारी फैमिली में से किसी का, तो भूल जाओ रुद। ये बोलकर राघव ने इंस्पेक्टर की ओर देखा तो उसने हवलदार को उसे लेकर चलने का इशारा किया। हवलदार ने रुद को हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गए। अब राघव पीछे मुड़ा तो वो लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। उसे देखकर राघव बोला, डोंट वरी, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हालांकि राघव ने बस उसे एक नजर ही देखा था, लेकिन उस लड़की में कुछ तो बात थी, जो कोल्ड पर्सनालिटी वाला राघव भी उससे सॉफ्टली बात कर रहा था। फिर राघव ने अपनी जैकेट निकाली और उस लड़की की ओर बढ़ा दी। लड़की ने नजर उठाकर राघव को देखा और उसके हाथ से जैकेट ले लिया। उस लड़की ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज।
इससे आगे वो नहीं बोल पाई और उसकी आंखों में नमी आ गई। राघव ने सॉफ्टली कहा, डोंट वरी, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राघव ने फिर उसे देखा और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफी रात हो गई है, ऐसे में अकेले जाना सेफ नहीं है। एक बार फिर उस लड़की ने राघव की ओर देखा। उसे अच्छा लगा कि राघव उसकी परवाह कर रहा था, लेकिन उसने उसे मना करते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, आपने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे उस दरिंदे से बचाया, उसके लिए थैंक्स। राघव बोला, इट्स ओके, लेकिन इस वक्त तुम ऐसी हालत में अकेले नहीं जा सकती, लेट मी ड्रॉप यू। उसके फिर से इंसिस्ट करने पर उस लड़की ने ओके कह दिया, तो राघव उसे लेकर अपनी कार में उसके घर की तरफ चल पड़ा। राघव ने उस लड़की को उसके घर ड्रॉप किया और खुद भी घर आ गया। राघव ने अपने कमरे में आकर चेंज करके बेड पर लेट गया। उसने मन ही मन कहा, रुद, मुझे पता है ज्यादा दिन मैं तुम्हें दूर नहीं रख पाऊंगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए मेरे दोस्त और इस परिवार को तुम्हारे साय से दूर रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, सब कुछ अकेले किया। अब कुछ वक्त के लिए तुम मेरे परिवार से दूर रहोगे, थोड़े दिन के लिए मैं सबको टेंशन फ्री और खुशी से देखना चाहता हूँ, और जब तक तब तक मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा तुम्हें सबसे दूर रखने के लिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके दिल में अचानक से उस लड़की का ख्याल आया। उसका डरा सहमा सा चेहरा राघव की आंखों के सामने आ गया, लेकिन उसने जल्दी से उस ख्याल को झटक दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। अंधेरी पुलिस स्टेशन, मुंबई। एक ट्रक का कंटेनर पुलिस स्टेशन के सामने रुका और उस ट्रक का ड्राइवर, जिसने अपने चेहरे को कवर किया था, वो उसमें से निकलकर जल्दी से वहां से भाग गया। ये सब उसने बड़ी ही फुर्ती से किया था, जिससे किसी की भी नजर उस ड्राइवर पर नहीं गई। उसने अपना काम किया और अपना फोन निकालकर किसी को डन मैसेज किया। फिर उसने अपना फोन वापस जेब में रखा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। अब देखना यह होगा कि क्या रुद शांत बैठेगा या बदला लेने के लिए कुछ और करेगा। क्या सच में रुद के अंत की शुरुआत हो चुकी? वो लड़की कौन थी और ये नकाबपोश ट्रक ड्राइवर कौन था? जानने के लिए सुनती रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।